ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा अग्निशमन और होमगार्ड के सहयोग से बस स्टैंड में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को आग लगने व राहत व बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई। वहीं लोगों को अग्निशमन यंत्रों को चलाने और आग बुझाने की विधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। होमगार्ड द्वारा इस अवसर पर आपदा के समय ऊंची बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने की मॉक ड्रिल द्वारा बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन हमीरपुर द्वारा अग्निशमन और होमगार्ड के सहयोग से बस स्टैंड में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को आग लगने व राहत व बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई। लोगों को अग्निशमन यंत्रों को चलाने और आग बुझाने की विधि के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। होमगार्ड द्वारा इस अवसर पर आपदा के समय ऊंची बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जिला आपदा प्रबंधन की जिला समन्वयक समीक्षा शर्मा ने बताया कि 11 से 23 अक्टूबर तक आयोजित किए जाने वाले समर्थ अभियान के तहत इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इससे पहले उपमंडल स्तर पर 11 अक्टूबर को इसी प्रकार की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मंडल की उपमंडल की दो पंचायतों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आपदा में बचाव के तरीकों की जानकारी भी दी गई। यह अभियान जिला में 16 से 20 अक्टूबर तक भी आयोजित किया जाएगा।